कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 7 मार्च को एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है इसे डिजाइन और डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दिया है द एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और डीआरडीओ आर मिलकर इस एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम और डिजाइन को एग्जीक्यूट करेंगे और हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड इसको मैनुफेक्चर करेगा फीचर्स की बात करू तो ये एक पच्चीस टॉन की ट्विन इंजिन एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसमें एडवांस स्टिल्थ फीचर्स भी इंस्टॉल किया जाएगा स्टिल्थ फीचर की वजह ऐसी इस फाइटर जेट को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इस फाइटर जेट की फ्यूल टैंक को सीक्रेट रखा जाएगा और इस फ्यूल टैंक की कैपेसिटी सिक्स टन होगा इस फाइटर जेट की बेली पे हाई रेंज के वेपन को इंस्टॉल किया जाएगा जिसमे मेड इन इंडिया वेपन भी शामिल होंगे इंजिन की बात करूँ तो आमका मार्क वन में यूएस की नाइन्टी किलो न्यूटन की जी इंजन यूज किया जाएगा और आमका मार्क टू में उससे भी ज्यादा पावरफुल 110 किलो न्यूटन का इंजन यूज किया जाएगा अब तक दुनिया में सिर्फ तीन देशों ने फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया है और वो है यूएस चाइना और रशिया